नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्सटाइल डिज़ाइन। हम आपको आज जो है भारत में बुनाई की कला के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं। भारत में वस्त्रों की बुनाई की कला के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में बुनाई की कला की प्राचीनता के साथ साथ यहाँ की जो वर्तमान प्राचीन युग के करघे भी हैं उसी प्रकार से हैं। इस प्राचीन युग के करघे बहुत साधारण और बहुत ही भारतीय बुनाई कला की प्राचीनता के साथ साथ यहाँ के करघे भी वर्तमान युग रूप से उसी प्राचीन युग के करघे के समान हैं, जिसमें परिवर्तन नाम मात्र के लिए ही हुए हैं। उस प्राचीन युग के करघे बहुत ही साधारण और सरल होते थे, जिसमें हम बहुत ही सूक्ष्मता और सरलता के साथ हम जो है अपनी बुनाई की क्रिया को सुगम पूर्वक आसानी से अच्छा बनाते हैं। वस्त्र निर्माण की कला के विकास के लिए बुनकर निपुणता और अनुभव से होने वाले उत्तर बढ़ोतरी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसमें करघे में परिवर्तन करना महत्वपूर्ण नहीं है। यही कारण है कि करघे का आज भी साधारण रूप हमारे सामने उसी तरह से विख्यात है। कुछ परिवर्तन हुए हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बुनाई की कला क्या है। वस्त्र बुनाई की कला वह विधि है जिसमें कि हम ताने और बाने के माध्यम से जो है धागे को आपस में गूंथ कर बुनाई की क्रिया को आसानी बनाते हैं और उसी के माध्यम से हम अपने कपड़े को बुनते हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि बुनाई एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग धागों को आपस में जोड़कर, एक दूसरे के साथ जोड़कर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। वही वस्त्र निर्माण की जो है सबसे प्रमुख क्रिया है। इसको हम जो है ताने के धागे को अनुधैर्य धागे के नाम से जानते हैं और क्षितिज धागे के नाम से हम बाना को जानते हैं। इन ताने और बाने के माध्यम से ही हमारी बुनाई की क्रिया आसानी से जो है की जा सकती है, जिससे वस्त्र का हम निर्माण करते हैं। दूसरा है कि करघे का परिचय। आखिर हमारे यहाँ किस तरह के करघे का प्रयोग किया जाता है। करघे का परिचय, तो हम यह जानते हैं कि करघा मुख्यतः करघे चाहे हाथ से चलाने जाने वाले हो या पावर से, मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाथ से चलाने वाले करघे और दूसरा है पावर द्वारा या शक्ति चालित रूम। और हाथ से चलाने वाले करघे को हम जो है तीन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला है देशी करघा, दूसरा है खड्डी या पिटलूम और तीसरा है फ्रेम लूम करघा। अब हम देशी करघे के बारे में पढ़ते हैं। तो देशी करघा क्या है। देशी करघे को मुख्यतः हम वस्त्र निर्माण की कला के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम दो तरीके से बुनाई, इसमें हम दो तरीके से बुनाई की क्रिया को करते हैं। पहला है थ्रो सटल और दूसरा है फ्लाई सटल लूम। थ्रो सटल का मतलब ये है कि इसमें हम जो है सटल को अपने हाथों के द्वारा जो है चौड़ाई में हम हाथ द्वारा फेंकते हैं एक साइड से दूसरे साइड। दूसरा है फ्लाई सटल लूम। फ्लाई सटल लूम में हम जो है उड़ने वाली सटल के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें हम मुठिया के द्वारा झटका देकर सटल को एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर भेजते हैं। इससे हमें बुनाई की क्रिया जो है आसानी से की जा सकती है। इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जो है बुनाई तेजी से होती है और हमें कपड़े को जल्दी से जल्दी तैयार करने का मौका मिलता है। इस करघे को प्राचीन भारतीय करघा की भी कहते हैं। यह बहुत ही सरल और साधारण प्रकार का करघा होता है। इसमें जो पेचीदगी या पुर्जे होते हैं वह बहुत न्यूनतम मात्रा में होते हैं। यह वर्तमान करघे का ही प्राचीनतम रूप है। इसमें बुनकर हाथ के द्वारा सटल को फेंक कर बुनाई की क्रिया को करते हैं। इसका सबसे प्रमुख भाग होता है, इस करघे का सबसे प्रमुख भाग होता है स्ले या हत्था। स्ले या हत्था करघे का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें कंघी को बेलन के लिए हाथ के नीचे
खींचकर दबाया जाता है, जिससे कि हमें बुनाई की क्रिया करने में आसानी होती है। यह बिल्कुल लकड़ी, मजबूत लकड़ी का बना होता है। इस लकड़ी के माध्यम से हम जो है बुनाई की क्रिया करते समय इसको हम बीट करते हैं, बैठाते हैं, ताकि बराबर हमारी बुनाई की क्रिया एक समान बराबर होती रहे। उसके बाद आता है पिटलूम या देशी पिटलूम, खड्डी का करघा या पिटलूम। यह देशी करघे का ही उन्नत रूप है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि 1 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। इतनी गहराई के माध्यम से कच्ची जमीन पे हम इसको बनाते हैं, ताकि यह करघा पूरी तरह से जमीन के अंदर जाकर फिट हो जाए। इसका यह कारण है कि इस तरह के करघे बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि इस तरह के करघे में हमारा जो है तानी के धागे कम टूटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जमीन से इसमें नमी, धागों को नमी प्रदान होती रहती है, और जिसके कारण हम जो है अपनी बुनाई की क्रिया को सुगमतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। हाथ द्वारा जो करघे प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कीमती साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, सोने चांदी के तारों से भी निर्मित किए जाते हैं, ऐसे करघे का प्रयोग हम जो है इस ऐसी साड़ियों का प्रयोग हम ज़्यादातर जो कीमती साड़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग हम ज़्यादातर इस तरह के लूम पे करते हैं, ताकि हमारी जो बुनाई की क्रिया है वह आसानी से हो सके और ताने को भी नमी प्रदान मिलती रहे जमीन से, ताकि हमारी बुनाई की क्रिया सुगमतापूर्वक होती रहे। और इसमें हम क्योंकि समय लगने के कारण इसमें काफ़ी समय तक बहुत कीमती साड़ियाँ होती हैं, तो इसमें कम से कम 3 महीने 4 महीने इस टाइप से भी लग जाते हैं, तो हमें ताना उसी तरह से तना रहता है और उसी पे हमें कार्य करना पड़ता है। तो जब हमें ताने को नमी जमीन से मिलती रहती है तो हमारा ताना कम टूटता है। कम टूटने के कारण हमारी बुनाई की क्रिया एक बराबर समान रूप से होती रहती है। इसलिए हमें इस तरह के जो कीमती वस्त्र होते हैं उस समय इन करघों का प्रयोग किया जाता है। इस करघे में ज़्यादातर जो है कीमती साड़ियाँ, जैसे जामदानी है, ब्रोकेट है, जामदानी है, इस तरह के करघे का प्रयोग करके हम उस पे जो है बुनाई की क्रिया को आसान करते हैं, आसानी से वीप करते हैं। उसके बाद आता है फ्रेम लूम। ये हमारा हैंडलूम का तीसरा लूम है, जिसमें कि हम जो है अपनी बुनाई की क्रिया जो इस लूम का प्रयोग करते हैं, इस लूम को हम जो है पक्के फर्श पर लगाया जाता है। इसमें जो है लकड़ी के बराबर चारों दूरी पे एक बराबर खंभे को हम बांध देते हैं। इस खंभे में समानांतर रूप से उसको नट बोल्ट से पहले कस देते हैं, ताकि वह किसी भी तरह से हिले नहीं, बुनाई करते समय हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह के ढांचे का प्रयोग करके तब हम उसमें सारे पार्ट्स को लगा के उसको पेच से कस कर हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इस लूम की खासियत यह है कि इसमें जो है हम बाहर जमीन में ना बैठ के जमीन के ऊपर इस करघे को फ्रेम को रख के और उस पर बुनाई की क्रिया करते हैं। इसमें हमें जो है बार बार नीचे, जैसे पिटलूम में तो हम बार बार नीचे उतर के जाते हैं, अगर ताना ठीक नहीं है तो उसको ठीक करते हैं। इससे हमें यह क्या होता है कि उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इसमें क्या होता है हमें जो है कम टाइम में हम जो है उठ के थोड़ा सा ठीक किया, उसके बाद बैठ के हम अपनी बुनाई की क्रिया को आसानी से करते रहते हैं। इस प्रकार के कार्य को हम इस लूम पे करने में हमें सुविधा होती है, और यह ज़्यादातर जो है खम्भों से एक बराबर पूर्जों के साथ नट बोल से इसको कस दिया जाता है, ताकि यह बुनाई करते समय हमें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आता है करघे के प्रमुख भाग। इन करघे के सबसे प्रमुख भागों के अंतर्गत यह होता है कि हमारा जो भी करघा है, चाहे वो देशी करघा हो, खड्डी का करघा हो, या पिटलूम हो, या पावर लूम हो, सभी में पार्ट्स एक जैसे ही होते हैं। जैसे इसमें भी स्लेय हत्था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है, और अन्य करघों में भी हम इसी के इम्पॉर्टेंट पार्ट को ही रखते हैं। इसमें पार्ट्स एक जैसे होते हैं, केवल उसके रूप बदलते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है, ये करघे का सबसे प्रमुख भाग है स्लेय हत्था। स्लेय हत्था सबसे करघे का सबसे प्रमुख भाग है। इसमें हम जो है करघे को बुनाई की क्रिया को करते हैं, जिसमें कि हम जो है लकड़ी की जो ये पट्टी होती है इसको हम
एक बराबर सा मौजूद बॉक्स की तरह तैयार करते हैं और इस बॉक्स में हम जो है सटल को डालकर बुनाई की क्रिया को करते हैं। सटल में क्या होता है, हमारा बाने का धागा लपेटा होता है। ताने का धागा तो मेरी ताने के बेलन पे रहता है, लेकिन बाने का धागा हमारा जो है सटल बॉक्स में बॉबिन में तैयार करके, हम मशीन में जैसे बॉबिन होती है वैसे ही इसमें भी सटल होता है, और इस सटल में हम जो है बाने के धागे को लपेट के उसी सटल बॉक्स में डाल के हम उसको बुनाई की क्रिया करते हैं। स्ले हत्था के माध्यम से ही हम अपनी बुनाई की क्रिया को आसानी से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ताने का बेलन। ताने का बेलन जो है जिसमें कि हम तानी जो है जितने बड़े कपड़े या जितनी लंबाई के कपड़े हमें तैयार करने होते हैं उतनी बड़ी तानी हमें इस ताने के बेलन पे लपेटनी होती है। ताने के बेलन में हम ताना तैयार करके उसको फ्रेम में लूम में सेट कर देते हैं और उसके बाद हम उसमें बुनाई की क्रिया को आसानी से करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इस बेलन की कि इसमें जो है बीच में एक छेद होता है एक बराबर, इसमें हम लोहे की छड़ को छड़ में जो है ताने के तारों को गांठ बांधकर फंसाते हैं और उसके बाद तब हम उसको पूरी तरह से लपेटते हैं ताकि हमारा तानी जो है ढीला ना हो। एक बराबर तानी जब टाइट से कसा रहता है तो हमारी बुनाई की क्रिया को सुगमतापूर्वक आसानी से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा बाने का बेलन, जिसको हम कपड़े का बेलन भी कहते हैं। बाने के बेलन को हम कपड़े का बेलन भी कहते हैं। यह सामान्यतः ताने के बेलन के समान ही होता है। इस ये भी लकड़ी का, मजबूत लकड़ी का चिकना होता है जिसमें कि हम जो हम तैयार कपड़ा कर लेते हैं उसको हम आगे से लपेटते जाते हैं और ताने से हम ढीला करते चले जाते हैं। जो तैयार कपड़े हैं उसको लपेटना, इसको हम जो है कपड़े का बेलन कहते हैं, और जिसमें हम नहीं तैयार है जैसे तानी लगा हुआ है उन कपड़े को, उसको हम ताने का बेलन कहते हैं। और ये कपड़े का बेलन है और ऊपर ताने का बेलन है। कपड़े के बेलन में हम कंप्लीट किए हुए कपड़े को उसमें लपेट देते हैं। उसके बाद आता है मत्ती या टेम्पल। मत्ती या टेम्पल जो है करघे का अन्य भागों में से एक है, जिसकी ये उपयोगिता होती है कि इसमें जो है कपड़े की चौड़ाई, जब हम बुनाई करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि कपड़े को बहुत आगे तक बीनने के बाद कपड़ा आपस में सिकुड़ने लगता है, तो उसको हमें एक बराबर रखने के लिए जो है मत्ती या टेम्पल का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके द्वारा हमारी जो चौड़ाई है कपड़े की बुनाई की वो एक बराबर रहे और वो सिकुड़े नहीं। न सिकुड़ने से हमारी बुनाई की क्रिया जो है आसानी से आगे बढ़ती जाती है और हमारा कपड़ा एक बराबर सा बुनता चला जाता है। उसके बाद आता है पैसा। पैसा ये लकड़ी का बना होता है, इसमें भी बीच में एक छेद होता है, इस छेद से हम जो है रस्सी बांध कर पावड़ी के द्वारा उसको हम बांधते हैं। बांधने के बाद हम पैडल से इसको अप डाउन ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि हमारे जो तानी है उसमें स्पेस बन जाता है, जिसको कि हम व्यय कहते हैं। व्यय करने से हमारे बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस के माध्यम से हम जो है बाने के धागे को एक तरफ से दूसरे तरफ डालते जाते हैं और यह क्रिया के माध्यम से हमारी बुनाई आसानी से होती रहती है। इसके बाद आता है पुली रोलर जैक। यह जो है हमारा जो तानी होता है उसको एक बराबर बनाने में जो है आसानी होती है, और जब हम उसको जो है ताने में बीच में गैप कर लेते हैं, एक बराबर सा गैप करते हैं, तो उस गैप में इसको हम फंसा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बाने का बेलन है, बाने की बॉबिन है, वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाती है। उसके बाद आता है हमारा पावड़ी। पावड़ी क्या है? पावड़ी जो है ये लकड़ी का बना होता है, ये हमारे पैर के पास रहता है नीचे की साइड, और ये जो है हमें जितने, जैसे अगर हमें सिंगल क्लॉथ के कपड़े बनाने हैं तो हमें दो पावड़ी का यूज़ करना पड़ेगा, डबल क्लॉथ के कपड़े बनाने हैं तो हमें चार पावड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर हमें जो है नॉर्मली कपड़े बनाने हैं तो हम दो जो है पैडल से ही अप डाउन करके कपड़े की बुनाई को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ये हमें जो है दम बनाने में आसानी होती है जिसके माध्यम से।
उसके बाद होता है लीज रॉड। लीज रॉड क्या है? लीज रॉड यानी साथी की छड़। इसकी सहायता से हम जो है बीच में ताने के बीच में जो हम एक दम बनाते हैं या शेड बनाते हैं उसको एक बराबर, ताकि वो धागा आपस में फंसे नहीं, इसके लिए हमें इस छड़ की आवश्यकता पड़ती है। इस छड़ के माध्यम से हम ताने के बीच में जो गैपिंग होती है उस गैप में इस छड़ को हम डाल देते हैं। जब छड़ में डाल देते हैं तो हमारा जो बीच में दम बनता है, जो बीच में शेड आता है, वह शेड एक बराबर बनता है। और इसको हमेशा हम डबल डालते हैं, दो डालते हैं, जोड़े में डालते हैं, ताकि वह आसानी से हमें जो है धागा आपस में उलझे ना और एक बराबर बुनाई की क्रिया आसानी से होती रहे, बीच बीच में हमें उठने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरी बात यह है कि अब हमें आते हैं कि करघे की चाल। करघे की चाल क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बुनाई की क्रिया करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि करघे की चाल क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम बुनाई की क्रिया को करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है, किस तरह से करता है। तो सबसे पहले बात यह है कि करघे के द्वारा कपड़ा बुनने में कम से कम दो प्रकार के धागे की आवश्यकता होती है, ये तो पता ही है हम लोग को कि ताना और बाना। इन्हीं को हम आपस में फंसाते हुए जो है बुनाई की क्रिया करते हैं। तो पहला ताना है जिसको हम वार्प कहते हैं, जो ताना है, और दूसरा है वेफ्ट जो कि बाना है। इन वार्प एंड वेफ्ट के माध्यम से ही हम बुनाई को जो है तैयार करते हैं, एक है। उसके बाद आता है चाल या मोशन। इसी ताने और बाने को चाल या मोशन कहते हैं। बुनाई की क्रिया को सुगम और संभव बनाने के लिए इस प्रकार के करघे में इन गतियों का प्रयोग किया जाता है। इस गति को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। तो पहला है करघे की चाल। करघे की मुख्यतः दो प्रकार की चालें होती हैं। पहला है प्राइमरी चाल और दूसरा है सेकेंडरी चाल। प्राइमरी चाल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है टेकअप मोशन और दूसरा है लेटअप मोशन। उसके बाद आता है सेकेंडरी चाल। सेकेंडरी चाल को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है शेडिंग, पीकिंग एंड बीटिंग। यह है हमारी बुनाई की क्रिया। इसी के माध्यम से हम अपने कपड़े की बुनाई करते हैं। तो सबसे पहले विधि ये है कि बुनाई की क्रिया में प्राइमरी चाल के अंतर्गत टेकअप मोशन मतलब ताने का तार, ताने के धागे को जब हम आगे करते हैं तो लेटअप मोशन जिसमें कि हम बाने के धागे को एक दूसरे छोर से हम आगे पीछे करते हैं। और इसको करने के बाद हमारी दूसरी प्रोसेस जो होता है वह है शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग। शेडिंग मतलब जो ताने में बीच में एक धागा ऊपर एक धागा नीचे होता है, फिर एक धागा ऊपर फिर एक धागा नीचे, तो इसको हम बीच में जो एक गैप आता है इसको हम शेडिंग कहते हैं। पिकिंग मीन्स जो बाने का धागा होता है वह हम सटल में लपेट लेते हैं, उस सटल को एक छोर से दूसरे छोर डालते हैं, फिर दूसरे छोर के फिर हम जब अपने पास आते हैं इसको बोलते हैं पिक डालना। उसके बाद जब हम पिक एक दो पिक डाल लेते हैं तब हम क्या करते हैं, बीट करते हैं। बीट करना मतलब आपस में उसको बैठाते हैं, तो वह कंघी के माध्यम से हम उसको जो है अच्छे से बैठा देते हैं, दबा के उसको हम बैठा देते हैं ताकि बुनाई एक बराबर होती रहे। यह है हमारे कपड़े की बुनाई की क्रिया। इस तरह के माध्यम से हम अपने कपड़ों की बुनाई करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।